राधे राधे दोस्तों, आज मैंने सोया बटी की सब्जी बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, एकदम डिफरेंट तरीके से। तो चलिए मिलके बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर 150 ग्राम सोया बटी लिए हैं। गर्म पानी में डाल के इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इसकी मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं, सभी को एक साथ पीसेंगे। और 2 लाल टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट अलग बनाएंगे। तो चलिए प्याज लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट सोया बटी को भीगने के बाद से पानी इसका सारा निचोड़ के निकाल दिए थे। और यहाँ पर पिसी हुई मसाले में से 2 चम्मच लेंगे। पिसे हुए मसाले के बाद से डालेंगे यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब सबसे खास इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारा बेसन। बेसन को डालेंगे और अच्छे से मैरिनेट करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो चलिए अपने सोया बटी को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट मैरिनेट होने के बाद से सरसों के तेल कढ़ाई में डाल लिए हैं और इसे अच्छे से गर्म कर लिए हैं। और सोया बटी को सभी को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। आपका कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो सोया बटी अच्छे से भुनेगा नहीं और पूरे कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर सोया बटी में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका था, सभी को निकाल लेंगे। सब्जी को बनाने के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो आपस से तेल डालेंगे और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, आपकी जो मनपसंद डालिएगा। 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। सभी को अच्छे से भूनने देंगे। खड़े मसाले अच्छे से चटक गया है, अब यहीं पर जो पिसा हुआ प्याज लहसुन मिर्च था ये सभी पेस्ट को डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट तक। ज़्यादा प्याज को नहीं जलाएंगे, नहीं तो सब्ज़ी में कड़वा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्याज बहुत अच्छे से भून चुका है। अब यहीं पर अपने टमाटर का पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी पकता है। यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच नमक डाले हैं। मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से भूनने देंगे। तो यहाँ पर हमारा टमाटर प्याज अच्छे से भून चुका है। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। सभी मसाले को डाल देंगे। लास्ट में डालेंगे ये कसूरी मेथी, इससे सब्जी में टेस्ट डेवलप होगा। और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारे मसाले में के पानी अच्छे से सूख चुका है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। सारे मसाले को मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे मसाले में से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो चलिए मसाले को भून लेते हैं। देख सकते हैं मसाले को भूनते हुए करीब 6 मिनट हो चुका है और मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुका है। यहाँ पर कढ़ाई छोड़ रही है और तेल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर पानी हमने 1 कटोरी ऐड किए हैं, लेकिन सोया चन की सब्ज़ी में थोड़ी सी पानी ज़्यादा रहती है क्योंकि सोया चन भी पानी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर सोया बटी को डाल दिए हैं, लेकिन ग्रेवी की थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर पानी हम थोड़ा और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पानी हमने 1/2 कटोरी और ऐड किए हैं, तो करीब 1.5 कटोरी पानी ऐड कर लिए हैं। अब डालेंगे लास्ट में गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे और सब्जी के साथ मिक्स करेंगे, ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे। जी दोस्तों, हमारी सब्जी बनके हो गई रेडी। तो दोस्तों, आप इस सब्जी को चावल या रोटी के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा।